कौन अच्छा है? योगी अखिलेश जी है, मायावती जी है, तो अच्छा ही काम करके हैं। अगली सरकार जो है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अच्छे कार्य किए हैं, अगली सरकार बीजेपी की होने वाली है। भगवान हमको हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, वो कुछ करे या ना करे। गिरे हुए किसान, इस सरकार में किसान की जो परेशानियां हैं वो किसी को नहीं। आने वाले चुनाव में मैं तो भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन करूंगा। सबसे अच्छी पार्टी बीजेपी है। बलिया पर अगर योगी ध्यान नहीं देते हैं तो आने वाला जो समय है वो बीजेपी के लिए खतरनाक बलिया हो सकता है, साबित हो सकता है। उनके नोट के पेड़ लग गया, एक खाली मंत्री विधायक हो गए तो अरबों खरबों रुपया कमा लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम मौजूद हैं बलिया के हल्दी चट्टी इलाके में। एक चाय की दुकान पर हैं, सुबह का वक्त है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। हम यहाँ जन की बात करने आए हैं। हम आपको बताएं कि हल्दी चट्टी का इलाका जो है वो बलिया और बैरिया विधानसभा क्षेत्र का बॉर्डर है। यहाँ के लोगों से जानने आए हैं कि पिछले 5 साल जो है सीएम योगी के कार्यकाल को ये कैसे देखते हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में इनके वोट को प्रभावित करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ की जनता से बातचीत। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? दिनेश गुप्ता। क्या सोच रहे हैं चुनाव के बारे में? कुछ सोच रहे हैं? जल्दी ही चुनाव होने वाला है। क्या सोच रहे हैं? ये अच्छा होगा, वोट दिया जाएगा। कौन अच्छा है? योगी जी। क्या अच्छा किया? सब कुछ अच्छा है। सब अच्छा है? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? आप बताइए क्या चीज़ चुनाव के बारे में? अब जल्दी ही चुनाव होगा, क्या सोच रहे हैं? क्या बदलाव किया जाएगा? बदलाव जी, बदलाव क्यों चाहते हैं? बदलाव इसलिए चाहते हैं क्योंकि योगी के कार्यकाल को ये कहे थे कि साल में 2 करोड़ का हमें रोजगार देंगे, क्या वो 10,000 का क्या 1,000 का रोजगार नहीं दिए? 1,000 का कितने बच्चे अशिक्षित हो गए हैं? 2 साल से तो सभी गरीबों का बच्चे पढ़ने भी नहीं जा रहे हैं, उनकी शिक्षा भी बेकार जा रही है। तो ये बताइए कि 5 साल में उन्होंने कैसा काम, रोजगार की बात करें, रोजगार नहीं दिया नहीं। और दूसरे काम कैसे किए? विकास के काम कैसा हुआ? विकास का काम तो उनका 1% का भी नहीं है। कहाँ विकास है, कहीं दिखाइए कहीं भी विकास हो रहा है? विकास, बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो विकास कहाँ से होगा? विकास का भोजन देने से थोड़ी नहीं होगी कि गरीबों को मुफ्त में अनाज दे रहा है। और तो मुफ्त में अनाज क्या, आपको भरपेट भोजन दिला देंगे तो क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, मुफ्त में आपको अनाज दे दे, भरपेट भोजन दे दे और मेन जड़ ही काट दे आपका। ये मतलब आपको लग रहा है कि जड़ काटने की साजिश कर रहे हैं? एकदम बिल्कुल जड़ काट रहे हैं। हाँ, ये बताइए कि वो कौन सा चेहरा है जिसे मतलब आप मतलब चुनना चाहते हैं अगले चुनाव में योगी जी की जगह? अरे तो चेहरा आएगा सामने, देखा जाएगा वक्त पर किसका योगी जी के बदले में चुना जाएगा, लेकिन बदलाव तो होगा ही। बदलाव नहीं, लेकिन फिर भी एक आदमी का पसंद होता है ना कि ये अच्छा काम किया है। पसंद क्या, अच्छा काम किया? अच्छा तो काम बहुत सारे किए हैं, अखिलेश जी है, मायावती जी है, तो अच्छा ही काम कार्य किए हैं। अखिलेश और मायावती में कौन? मायावती की पार्टी तो मतलब कह रहे हैं लोग कि मतलब परफॉर्मेंस पिछली बार भी अच्छा नहीं रहा, लोकसभा में भी अच्छा नहीं रहा। तो जो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उनको वोट किया जाएगा, उन्हीं को भी लाया जाएगा मार्केट में। योगी जी को नहीं देंगे? नहीं, योगी जी को नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा नाराजगी है? एकदम नाराजगी है उनके अंडर। लेकिन प्रधानमंत्री तो अभी वाराणसी में बता रहे थे कि बहुत अच्छा काम किए हैं कोरोना काल में योगी जी ने। अरे तो कौन सा कोरोना काल, यही तो काम किया अच्छा कि बच्चों को शिक्षा से ही एकदम मुक्त करा दिया। जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले थे वो भी भूल गए हैं आधे। कोरोना से बचा रहे हैं ना बच्चों को? अरे तो कोरोना से क्या बचा, कोरोना से बचा रहे हैं लेकिन शिक्षा नहीं दे रहे हैं। कोरोना से तो बचा रहे हैं, कहाँ कोरोना है? कहीं 1% दिखाइए कोरोना का की दिखाई। कोरोना के नाम पर तो कोई लूट किए हैं, एकदम बिल्कुल लूट हुआ है। ये बताइए कि आखिर में आपको मतलब कौन अच्छा लग रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर?
तो मुख्यमंत्री के पर जो आएगा देखा जाएगा कि किनकी आ रही है। अखिलेश जी की अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो अखिलेश जी को वोटिंग किया जाएगा, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उनको वोटिंग किया जाएगा। जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा हम उन्हें चुनेंगे। इस सरकार में किसान की जो परेशानियाँ हैं वह किसी को नहीं, मोदी सरकार किसान विरोधी, मोदी हो या योगी हो, ये लोग अपने से झोली भरने के लिए जनता के लिए कोई सरकार नहीं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो चाहे सपा, किसानों के ऊपर किसी सरकार की ध्यान नहीं। आज यही विधायक हुए हैं 10,000 रुपये गिंगे हुआ तीनों एक मोटरसाइकिल थी, उनके पास जाइए करोड़ों की संपत्ति है। आज मोदी जी कहाँ सोए हुए हैं? 60 बरस जो जनता पे नौकरी कर रही है उसको पेंशन काट दिया जा रहा है और 5 साल के लिए बन रहे हैं विधायक MP, इनको पेंशन लागू है? ऐसी सरकार अगर क्या करेगी यह बताइए कि कानून सबके लिए बननी चाहिए कि केवल किसानों पर बनेगी? किसान के लिए नहीं बनेगी, जनता के लिए, किसान जनता से सरकार चलती है तो जनता ही मारी जा रही है। अरे मोदी जी आपको 2,000 रुपए महीना दे रहा है उसके बारे में क्या कह रहे हैं? कहाँ 2,000 दे रहे हैं, किसको दिए हैं बताइए? आज एक वरासत के लिए 1,000 रुपये मांग रहे हैं यहाँ के अधिकारी लखपाल सिंह 97 के मेरे पिता मरे हुए हैं, मेरे पास पैसे नहीं कि मैं वरासत कराऊँ। अच्छा ये बताइए 2,000 नहीं मिल रहा आपको? 2,000 3 माह पर 4 माह पर 2,000 रुपया से क्या होना है किसान को, क्या होना है बताइए हमसे? 1,300 से 100 रुपये डीजल पर हम लोग खेती करें किसान, तो 1,300 रुपये कुंटल गेहूँ बिके, तो ये बताइए किसान मारे जा रहे हैं कि जिंदा है? यहाँ कौन से क्रय मूल्य हेल्दी में खुली हुई ठीक है? किसानों का गेहूँ के क्रय मूल्य पर चल रहा है, योगी और मोदी कहाँ है? अगली सरकार आप किसकी सरकार चाहेंगे कि किसकी सरकार? अरे सरकार हो कोई भी हो हमें, लेकिन जनता के लिए कोई सरकार नहीं, सब अपने झोली भरने के लिए आती, योगी जी हो या कोई भी हो, जनता को सुख सुविधा मोदी जी को ऐसे दी, किसको देख रहे हैं कि चूल्हा पैसा है कि नहीं? ये बताइए कि मोदी जी कह रहे थे कि हम गरीब के बेटा है, चाय बेचने वाला के बेटा है, चाय बेचने वाले नहीं है मोदी जी, अमीर के बेटे हैं, जितना मोदी जी पर खर्चा है वो किसी जनता पर खर्चा नहीं। लेकिन कहते थे ना चुनाव के दौरान? हाँ जी चुनाव के दौरान में ठीक कहते थे, लेकिन मोदी जी पर जो खर्च है वो एक बच्चे पर खर्च नहीं, जितना की डांट ढूंढ पर खर्चे आते सम्मेलन में ही रह जाते हैं। जनता को क्या देख रहे हैं? ये सड़क दुर्भाग्य है कि बलिया का सांसद, बलिया का विधायक, मंत्री होते हुए हॉस्पिटल में जनता जाती है तो इसी तरह टार दी जाती है जाओ। अच्छा अभी विधानसभा चुनाव होगा तो 5 साल में CM योगी ने कैसा काम किया, उनके काम से खुश हैं कि नहीं? उनके काम से कोई खुश जनता नहीं, त्राहिमाम कर रही है, 200 रुपए लीटर करू तेल बिक रहा है। ये बताइए जनता किस पर दीजिए, केवल गेहूँ और चावल तो फांग कर आप दीजिए सकते हैं? एक दिन मंत्री आते हैं तो जाते हैं, बने केवल एक ही के ओर से मंत्री जी बने हैं कि जनता के बीच में आना चाहिए, लेकिन एक दिन का 5 साल में आए पूछने के लिए और वोट के लिए आते हैं? तो जनता जवाब देगी? फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाली भी बात है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाली भी बात है। हाँ जी आज तक विधायक हल्दी में नहीं, तुलदा इसी के बलिया क्षेत्र में नहीं आए, केवल एक हल्दी जाते हैं और वहीं से चले जाते, जनता के सुख दुख में शामिल होंगे तो सब कुछ आपको मिलेगा। ये बताइए कि अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि कुछ भी काम हो या ना हो हिंदू की वजह से वोट योगी जी को पड़ेगा। हिंदू तो देंगे, मजबूर होना है देंगे किसको, राष्ट्रीय स्तर की बारी ठीक है, लेकिन फिर में उतना ही बुराई है जितना की सपा भी। ये बताइए एक गलती करे और 100 मारा जाए, योगी जी का उसी ने ध्यान कहाँ था? आज माफिया योगी जी पाल रहे हैं, उस माफिया को भी काउंटर कराइए तब देखेगी आपका साथ मसीहम है। आप किसकी सरकार चाहेंगे, मतलब सपा की, बसपा की, हम लोग मरना या बीजेपी? बीजेपी आएगी तभी मरेंगे, सपा आएगी तभी मरेंगे, बसपा आएगी तभी मरेंगे, जनता के लिए कोई सरकार नहीं है, केवल अपना छोरी भरने के लिए है। आज अगर विधायक का IMP का पे सरकार दिया जाए तो हम पूरे जिला में हलचल मच जाएगा। आज गरीब के बेटे नौकरी कर रहे हैं पुलिस में, मरा जा रहे हैं, उनके लिए क्या तो पेंशन काट दी जाए?
अच्छा, अभी वाराणसी में पीएम मोदी आए थे, उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का ऐलान भी किया और कहा कि बहुत अच्छा काम किए सीएम योगी ने कोरोना काल में। ऐसा है कि बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है, तो उनको बनारस में चमकाना है और बलिया को गड्ढा में बसाना है, योगी हो चाहे मोदी हो। बलिया में क्या काम किया बताइए, कौन सी फैक्ट्री लगवाए, कोई भी नेता बलिया के लिए कोई धरती पर नेता पैदा ना हुए आना होंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यहाँ तो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी रहे, तो वे अपने पेट भरे जनता को किया दिए, 100 पेट्रोल पंप उनके हैं, 100 पेट्रोल पंप उनके हैं, तो बलिया के लिए तो कोई नेता है धरती पर पैदा नहीं। सबसे गया हुआ उत्तर प्रदेश में बलिया जिला है। ये बताइए, आप मीटिंग कर रहे हैं उसमें कोरोना नहीं है, बच्चों के परीक्षा में कोरोना है, बाहर है मोदी सरकार है योगी सरकार, 2 साल की जिंदगी बच्चों की लीपापोती कर दी गई। 1947 से लेकर के किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ था जो कि मोदी सरकार में हुई। आज बच्चे क्या परीक्षा देंगे बताइए हमसे, आप तो निकाल रहे हैं भर्ती 6,000 की भर्ती भर, ये बताइए 60,000 कोई भर्ती निकली, 58,000 की 6,000 रुपये की नौकरी भर, किसका बच्चा पलेगा तो बताइए हमको, आप ही जवाब दीजिए। जेब खर्च भी नहीं होगा, तो ऐसी सरकार रहकर क्या करें कि सारे मैं प्राइवेट कर दें। क्या सोच क्या रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि जनता को सुख सुविधा मिले, हॉस्पिटल में जाए तो जनता का इंतजाम हो, एक दवा के लिए बनारस में हम गए थे, हमारा लड़का का 2 ऑपरेशन हुआ, विधायक के पास धाते रह गए, 0 बैलेंस, तो उस विधायक को हम लोग चुन कर क्या करेंगे बताइए ना। बदलाव करेंगे मतलब? हाँ, बदलाव होना है, एकदम बदलाव होना है। मुख्यमंत्री भी बदलेंगे? मुख्यमंत्री वो भी बनेंगे, लेकिन यहाँ से ये चाहे कि मंत्री जी टीका लग जाए, तो टीका लगने वाला अब जनता नहीं है। हाँ जी, किससे उम्मीद है आपको, कौन कौन सा नेता से उम्मीद? अब नेता जो हुए बना भेजे, नया चेहरा आएगा नया काम होगा, पुराने चेहरे पर कोई देखने वाला नहीं। हाँ जी, और चोर नहीं चल कर सकता, नया चेहरा आएगा उसको ही 5 बार जनता देखेगी, फिर अगला आएगा फिर दूसरे को देखेगी, ऐसी जनता ठगी जाते रहेगी। जनता तो ठगा गई है, जनता तो ठगा गई है, जनता तो मर रही है। आप काफी गुस्से में लग रहे हैं, मोदी जी जैसे कहे थे कि हम चाय बेचने वाले के बेटा हैं, गरीब के बेटा हैं, बहुत सारे सपने दिखाए थे। मोदी जी तो जनधन खाता का पैसा खुलवा करके जनता को कितना करोड़ रुपए अपने पास ले गए, कई रुपया मोदी जी दिए बता दीजिए हमको, कई रुपया किसको खाते में जनधन नाला में दिए बताइए। वो तो कहते हैं हम चौकीदार हैं। चौकीदार नहीं है वो, मेरा पूरा भारत का मालिक, लोगों की रक्षा करते हैं, पैसे की रक्षा अपने लिए करते हैं। आज यही सहारा इंडिया में जनता मर रही है, 10 रुपए लो रखा है वो समय से नहीं मिल रहा है, और योगी जी यहाँ जाने पर डंडे से खेत मार करके खेत दिया जा रहा है जनता, मतलब जैसा बोले थे वैसा नहीं कर पा रहे ना, 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 उनका केवल कागज में काम रोक रहा है। हाँ जी, चलिए यहीं से हल्दी तक देखिए कितना रोड बना है, 3-3 पेमेंट उठ गया, रोड का पेमेंट टूट जा रहा है, रोड नहीं बन रहा है, बाहर सरकार ऊपर ठीक है नीचे बीच में ठीक है, और सारे कर्मचारी छो रही, तो वो शासन किसको करना है, हमें करना है कि आपको रक्षा करना है। आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर के? आने वाले चुनाव में मैं तो भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन करूंगा। क्यों भारतीय जनता पार्टी को क्यों समर्थन करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अच्छा कार्य कर रही है, इसी कारण। किस तरह से काम मतलब अच्छा कर रहे हैं? चाहे प्रशासन हो शासन हो, जिस मुद्दे पे कही है, इस सरकार में कोई प्रदेश में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां कोई कार्य ना हो रहा हो, विकास का हर कार्य हो रहा है। ये बताइए कि 2017 में जब चल रहा था मतलब वोटिंग चल रही थी, उस समय अखिलेश यादव के बारे में सीएम योगी जो तरह तरह के दावे करते थे, कहते थे हम आते ही अपराध मुक्त कर देंगे उत्तर प्रदेश को, लगता है कि अपराध मुक्त हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है, इसमें कहीं शक नहीं है।
आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको, कहीं बता दीजिए उत्तर प्रदेश में कहीं जो है क्या कहते हैं कहीं भी जो है मारपीट होता हो या कोई भी दंगा फसाद हुआ हो। कल ही एक सज्जन कह रहे थे जो एसपी के हैं समाजवादी पार्टी के कि यूपी में अपराध तो छोड़ दीजिए चिरहरण हो जाता है। समाजवादी पार्टी के लोग जो है कुछ भी बोलने के लिए तैयार हैं। चिरहरण होता है कि नहीं सो बताइए। देखिए समाजवादी पार्टी के समय काल में क्या चीज़ नहीं हुआ है बताइए आप। आप खुद आप पत्रकार हैं, आप देखिए देख करके बताइए अपने मीडिया के माध्यम से कि क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या अराजकता नहीं हुआ है, क्या 70 वर्ष के कांग्रेस के सरकार में अराजकता नहीं हुआ है। वो तो हर सरकार में कुछ न कुछ होता रहेगा, तो उसके लिए क्या मारपीट करेंगे, झगड़ा करेंगे? मतलब योगी जी ने बढ़िया काम किया। योगी जी हमेशा रहेंगे और बने रहेंगे। आप बताइए क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर भैया? हम ये क्या सोची जाए महाराज, उनके दुकानदार आदमी कोई तरह चलाता आदमी 2 रुपया सामान बेचा तब अच्छा, 500 के सामान है तो 1 रुपया सा बेचाई के बाद वोट नहीं देते हैं। वोट देवे कर तो देवे कर लेते भाजपा के छोड़ी दूसरा कर दिया तब भाजपा के लोग को है कि भाजपा के बने तो उससे बोले कहा कर दूसरा बेकार बोली तो भाजपा। आप बताइए क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? अभी जब चुनाव आएंगे 2022 में तो क्या सोच रहे हैं, मन में कुछ चल रहा होगा कि कौन सरकार अच्छी है? बीजेपी। बीजेपी बीजेपी जी बीजेपी क्यों? सबसे अच्छी पार्टी बीजेपी है। क्या अच्छी है मतलब? सब कुछ अच्छा है, क्या नहीं है? हर कुछ अच्छा बताइए क्या है, बताइए ना सब कुछ मतलब अच्छा है, क्या अच्छा है? अपराध मुक्त है पूरा प्रदेश। अभी तो कहते हैं कि चीरहरण हो जाता है यहाँ। अरे कहने की विपक्षी कुछ भी कहेंगे, कहने में क्या कुछ भी आदमी मुँह खुला। अरे हुआ तो एक दो हो गया लेकिन ऐसा बात नहीं है। हो गया तो उसका कोई मतलब नहीं है। अरे स्वामी एक दो तो हो ही जाता है, लोग रहेंगे भिड़ेंगे, सवाल ही नहीं है, ये तो होता ही रहता है। एकादो मतलब होते रहता है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब एकादो तो हो ही जाएगा। यहाँ 100 लोग हैं, 2 लोग खराब होंगे, उसमें 100 के 100 सही तो होंगे नहीं। अब सबको सही किया भी नहीं जा सकता है, फिर भी पिछली सरकार से बढ़िया है ये, पिछली सरकार से बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ये बताइए कि पिछली सरकार से किस तरह से बढ़िया है, कुछ बता पाएंगे किस तरह? हर मामले में अच्छा है, जैसे क्या विकास देख ही रहे हैं, हर चीज का विकास हो ही रहा है। लोग कहते बहुत महंगाई है, रोजगार नहीं है लोगों के पास, रोजगार मिल ही रहा है। आप लोग कह रहे हैं सबको सरकारी चाहिए तो संभव है नहीं, सबको सरकारी नौकरी मिले, सरकारी नौकरी ही नहीं है मतलब मिल रही लोगों को, सबको सरकारी संभव ही नहीं है। नहीं सबको संभव नहीं है, लेकिन जो मिलता था पहले उस तरह से नहीं मिल रहा। कौन कह रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिलेगा ही, जो पढ़ेगा उसको मिलेगा, सीधी बात है। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं कि जो आपका 2022 का चुनाव आ रहा है, इसमें मुख्यमंत्री तो योगी जी बने और बीजेपी की सरकार बने, लेकिन विशेष रूप से बलिया पर अगर योगी जी ध्यान नहीं देते हैं तो आने वाला जो समय है वो बीजेपी के लिए खतरनाक बलिया हो सकता है, साबित हो सकता है। क्योंकि बलिया में कोई ऐसा बीजेपी का कोई विधायक नहीं है, सांसद नहीं है जो बलिया के ऊपर विशेष ध्यान दे। भले ही यहाँ के विधायक लोग 6-6 विधायक है, सांसद 2-2 है, लेकिन बलिया के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं है। यह रोड की कंडीशन देख रहे हैं ना, बलिया से चलिए और बैरिया तो माझी तक चले जाइए, सारा तो खतरा ही खतरा है, गड्ढे हो गया। योगी जी की एक बात यहाँ फेल्योर हो रही है कि योगी जी ने कहा कि मैं सारे सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दूंगा, वो अब तक गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। 5 साल हो गए, 5 साल हो बीत गए, अभी चुनाव भी आ गया, लेकिन योगी जी इस कार्य को बलिया में नहीं किया, भले हर जगह अन्य जगह कर दिए हो लेकिन बलिया में नहीं। बलिया को हाईवे से जोड़ने के लिए जो ला कर वहाँ रख दिया गया उजियार में, उसको पूरे यहाँ से सीधे जोड़ते हैं बलिया को, माझी जाते सीधे यहाँ से, छपरा निकल जाते, हम लोग सीमान निकल जाते, सब घर निकल जाते। लेकिन जो भी कार्य होता है केवल कागज पर होता है, बलिया के लिए भले अन्य जिलों में हो रहा है ठीक है। दूसरी बात है, जहाँ तक शासन की मामला है तो अन्य सरकारों की अपेक्षा जो है शासन तो चुस्त है, दुरुस्त है, लेकिन जो भी अपराध जहाँ भी हो रहा है वह वर्ग विशेष दिखाई दे रहा है। जैसे दुआबा कांड देख लीजिए, विधायक सुंदर सिंह जो थे दुआबा के, विशेष वर्ग के ऊपर ध्यान दिया गया, ये भी गलत है, विशेष वर्ग के ऊपर ध्यान दिया गया। अभी भी एक घटना घट गई है, वो मेरे ही रिश्तेदार से संबंधित है, मैं आपको इसमें तो खुलकर नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन उसमें भी विधायक जी का हाथ है, उसमें भी दबाव दिया जा रहा है, मेरे ही मैं बेस्ट वर्ग का हूँ, लेकिन उसका समझौता नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये हाईकोर्ट तक मामला गया है और समय आने पर उजागर किया जाएगा,
उसमें भी विधायक जी का ही हाथ है, उसमें विधायक जी का ही हाथ है, खुल कर बताया विधायक जी, हम तो गए हैं। और जो भी है दुआ की बात है, अब हमारे यहाँ बलिया विधानसभा क्षेत्र में है कि मंत्री जी कभी क्षेत्र में तो आते ही नहीं है शुक्ला जी, कि जनता का क्या दुख दर्द है, क्या परेशानी है, ये समझने के लिए तो आते ही नहीं। इसलिए मैं योगी से विशेष रूप से आग्रह करूँगा कि बलिया के लिए विधायक और सांसद दोनों अच्छे कैंडिडेट दें, जिससे बलिया के लोगों का, बलिया का विकास हो, बलिया के लोग उस पर गौरवान्वित हो चुके, काम करें। ये बताइए कि आपने इतनी सारी लाइनें गिनाई की, ये समस्याएं गिनाई आपने, शिकायत की, आप अगला मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहेंगे? अगला मुख्यमंत्री तो रहेंगे योगी जी ही, वो चाहे आपका वोट किस किस अलग बात है, लेकिन हमारा वोट तो हम तो बीजेपी के ही है, और आज से नहीं, हम लगभग 1995 से बीजेपी के यहाँ, जहाँ पर बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं था। समस्याओं के बावजूद आप बीजेपी को ही चुने? कारण है कि बीजेपी के अलावा कोई पार्टी है सीट दिखाई नहीं देती है, जो केंद्र से लेकर या राज्य तक कोई किसी के पास नहीं है, और मोदी जी को हटा दिए देश का कौन संभालेगा आज के डेट में? कोई ऐसा प्रधानमंत्री लायक नहीं व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री बना दे तो देश हिंदुस्तान को संभाल सके। उस तरह से आज के डेट में अगर योगी जी को हटा दिया जाए तो प्रदेश को संभालने वाला या अपराध मुक्त करने वाला कोई शायद ही कोई प्रधान मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बने। नहीं कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो क्या देश नहीं चल रहा था? देश चल रहा था, लेकिन ऐसे नहीं चल रहा था, ऐसे भाव में भयमुक्त नहीं था, ऐसे ही लोगों से लड़ाई नहीं होती थी, विश्व में एक नंबर का नहीं था। आज विश्व गुरु है मोदी जी हमारे, हिंदुस्तान का नाम जो विश्व में किया गया है वो मोदी जी द्वारा किया है, न कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उस समय नहीं थी जो आज है। तो इसलिए हम लोगों को गर्व है मोदी जी के ऊपर। विश्व गुरु कैसे बन गए? सारा विश्व उसका बात मान रहा है, सारी बातें उन्हीं मानी जा रही है। आज देखिए 1 अगस्त से वो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सचिव अध्यक्ष हो गए हैं, फिर आने वाले समय दिसंबर के बाद पूरे साल के लिए अध्यक्ष रहेंगे, तो अभी तक तो इतिहास ही रचा गया है ना। अभी भी जो भी समझौता हो रहा है पूरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरे विश्व में, वो मोदी जी जाकर समझौता करते हैं। आज के डेट में चीन की ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान के ऊपर नजर उठा सके सीधे रूप से। आप बताइए सर, कुछ बोलना चाह रहे थे? ऐसा मैं ये कह रहा था कि आज के देश में हम लोग गुलाम से बचे हैं मोदी जी के अनुसार, नहीं तो गुलाम हो जाते। क्षेत्रीय पार्टी जो है, जिसको सपा बहुजन लोग कहेंगे, आज कमजोर होगा यही सपा के लोग, तबड़ाकर मार का कब्जा कर लेंगे। आपका जो चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहा है वो ये सीधा ये कहेगा कि होता रहता है। बताइए, बहुत आप भी तो कह रहे हैं कि चीरहरण तो होते रहता है कभी कभी। ये नहीं कह रहा हूँ, अभी कह रहे हैं। नहीं नहीं भाई, कौवा चिल्ला रहा है तो हम इसको कान लेकर रोकेंगे? मैं कह रहा हूँ, मैं वही सुनूंगा। आज हरजन की सरकार आ जाए तो अंगूठा दिखा करके लोग कब्जा करेंगे, हमारे एक तबड़ाक चला दीजिए तो लोग हरजन एकटे लग जाएगा। ये कहाँ के इंसाफ है? सपा में जाइए तो लोग तांडव करेंगे। परिवारवाद में हम लोग नहीं रहना चाहते हैं, परिवारवाद से ऊपर उठिए। हाँ, ये बताइए कि परिवारवाद में नहीं रहना चाहते हैं, पिछले 5 साल के शासनकाल में योगी जी के, मतलब किस तरह आप गिनाते हैं, कुछ गिनाइए विकास का काम। ऐसा है कि जो है रोड आप देख रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये राज्य गवर्नमेंट का नहीं है। लोग कहते हैं कि मंत्री जी ये नहीं किए, तो मंत्री जी का बस का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मंत्री जी पैर भी कर सकते हैं, दबाव नहीं दे सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं? बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, इसकी अपेक्षा यहाँ सड़के गड्ढा मुक्त नहीं हुई 5 सालों में। ऐसा है कि जो टेंडर लिया है, ठेकेदार की कमी है, सरकार की नहीं कमी है। किसकी कमी है? ठेकेदार की कमी है, ठेकेदार अपना समय से नहीं कर रहा है, उसकी कमी है, सरकार की नहीं कमी है। 5 साल में ठेका ही नहीं हुआ? हुआ है, लोग कागज पर खा गए होंगे, ठेकेदार खा गया होगा कागज पर। राजा में गड़बड़ी है भैया? राजा में गड़बड़ी नहीं है, राजा तो बांट ही दिया, आप करिए, प्रजा में गड़बड़ी है, राजा में क्या गड़बड़ी है? तो आपको देखना चाहिए ना। अब देखेगा, देख रहा है, बारी बारी से देख रहा है। ऐसा बात है कि मोदी जी और योगी जी परिवारवाद नहीं करने वाले हैं कभी भी जिंदगी में। बताइए कि अभी योगी जी को बदलने, अभी योगी जी को बच्चे परिवार में छोटा बच्चे रहेगा तो उसको यही कहेगा इनको कहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा, तो मैनपुरी से।
हम एक ही शब्द आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है बीजेपी के लोग कहते हैं कि चोर है ये है वे है, मैं मानता हूँ बात, इनसे पूछिए सपा वाले से जो बड़े बड़े है उनके नोट के पेड़ लग गया, एक खाली मंत्री विधायक हो गए तो अरबों खरबों रुपया कमा लिए। नहीं अब मोदी जी ने तो नोटबंदी करके नोटबंदी हिंदुस्तान के साथ तमाशा किया जा रहा है, ये आप देखिए मोदी जी ने तो नोटबंदी करके सब खत्म कर दिया ब्लैक मनी। नहीं खत्म नहीं है, लोग कहते हैं कि मोदी जी तो बेरोजगार मार दिया, हमसे ये पूछना चाहते हैं मीडिया वाले हैं किसका घर नहीं बन रहा है, किसकी बालू गिट्टी की दुकान पर जाके देखिए गिट्टी बालू की दुकान पर सब बिक रहा है, पैसा है तब घर बना रहे हैं, हम कहाँ लगा रहे हैं, कह रहे हैं ना कि बहुत पैसे जमा कर लिए, ऐसा है कि नेता पहले बैंक में रख देते हैं एक नंबर का हो जाता है, उन सबका पहले थी है, गरीब लोग रोड पर लाइन में लगते हैं, पूंजीपति नहीं लगते हैं, देखना है तो चले जाइए, कोई मंत्री जा रहा है बैंक में तो उसको पहले पैसा मिलेगा, जो 1,000 रुपया लेने वाला लाइन में लगेगा, यहाँ यहाँ का सिस्टम गलत है, इसके सुधारने के लिए गरीब के बेटा को तो ठीक करना चाहिए था ये सब सिस्टम। आप अब पब्लिक जाने क्या करेगी, वो किसको रखेगी किसको चाहेगी, हम तो कहेंगे मोदी की सरकार में खुश है, मतलब खुश है खुशहाल। आप बताएं विधानसभा के चुनाव होंगे तो चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं? चुनाव में विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसे मान लीजिए कि NH 31 की जो सड़कें हैं वो केंद्र और राज्य में दोनों में बीजेपी गवर्नमेंट है, और केंद्र की ये जो NH 31 की सड़कें हैं ये खराब है, आगे चलना दुर्लभ है, तो आम पब्लिक के लिए इनका जो है निर्माण होना अति आवश्यक है, यह दुर्घटनाओं का जो है कारण बन रही है। और प्रतिनिधि की बात है तो प्रतिनिधि जो भी हैं वो प्रतिनिधि सही काम किए हैं, जैसे हम द्वाबा विधानसभा में पढ़ते हैं, बैनिया विधानसभा में, तो सुरेंद्र सिंह अच्छे जो है कार्य कर रहे हैं, उनका आम पब्लिक से जुड़ाव है, और वो जो है वो हरी का नीचे स्तर के लोगों से भी जो है जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन जो है मुख्यतः जो है आम पब्लिक की जो है से सड़क है, सड़क हम लोगों के लिए जो है बहुत मतलब काम सब अच्छा चल रहा है। मतलब अगली सरकार किसकी सरकार होने वाली? अगली सरकार जो है जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं अच्छे कार्य किए हैं, अगली सरकार बीजेपी की होने वाली है। योगी जी फिर सीएम बनेंगे? योगी जी बनेंगे सीएम। ये बताइए कि मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि 5 सालों में ये सड़कें नहीं बन पाई और दूसरी सुविधाएँ नहीं मिल पाई, फिर भी मतलब योगी जी को ही चुनेंगे? देखिए उनका प्रशासन जो है अच्छा है, उन्होंने जो भी जो है कार्य किया है अपने रिज्यूम में, जितनी जो है वैकेंसियाँ हुई, जितने जो है सर्विस, वैकेंसियाँ तो हुई ही नहीं जैसे लोग बता रहे थे हमको कि वैकेंसियाँ हुई ही नहीं यूपी में। देखिए यूपी में जो है जो जो अभी आपकी जो है चल रही है जो है ये परीक्षा होने वाली है TGT वाली, इसके पहले जो है 2013 की वैकेंसी जो लंबित पड़ी थी वह जो है इस गवर्नमेंट में क्लियर हुई, तो वैकेंसियाँ जो है हुई है। अब जितना जो है मान लीजिए कि मैं तो जो 55,000 का शायद समथिंग कुछ हुआ है, तो वही बता रहे हैं लोग कि ये तो लॉलीपॉप है, चुनावी लॉलीपॉप है, ये तो पॉलिटिकल जो है ये पॉलिटिकल बात है कि लाल वो उनके लिए कहेंगे वो उनके लिए कहेंगे, लेकिन जो भी लोग किए हैं जो भी अपने रिज्यूमे किए हैं सही किए हैं।